तुम्हारे पास काका खिलौना है, गुड्डा गुड़िया है क्या तुम्हारे घर पे? हम कोई बच्चे थोड़ी है जो गुड्डा गुड्डी से खेलेंगे। अब है ना, हम बड़े हो चुके हैं, हमें ना मशीनें बनाते हैं। बेटा सुनो, जब भी आके आओगी ना तो गुड्डा गुड़िया दे देंगे, दूल्हा के साथ दिन भर खेलते रहना, ठीक है? अभी ठीक से बैठो, हैं? ठीक है, ऐसा बात है तो हम अपने घर से बहुत सारा गुड्डा गुड़िया ले आएंगे। वो कहा है ना कि लड़की जब ब्याह के आती है ना ससुरा, तो हम लोग गुड्डा गुड़िया देते हैं उसको, हमारे यहाँ का रसम है। ये कौन रसम है? अच्छा, बहुत बढ़िया रसम है बहन जी। माँ, इन सब बातों में काहे टाइम खराब किया जा रहा है? पंडित जी को कहिए ना कि जल्दी से विधि पूरा कीजिए, ताकि हमारी पति जल्दी से घर आ पाए। जी तो अभी से एकदम ही उतावले हो रहे अपने पत्नी के मिलने के वास्ते। लड़का लोग है ना, वो ऐसा ही होते हैं। पंडित जी चलिए। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। क्या हुआ है, सब ठीक से चल रहा ना? अब लड़का लड़की दोनों एक दूसरे को अंगूठी पहनाएंगे। खड़े हो जाइए। पहले हम बनाएंगे सृष्टि जी को, हमारा मतलब शांति जी को। ये पागल लड़की क्या कर रही हो, पता नहीं है कैसे करना है। लाओ इधर हाथ दो। हम तो खेल रहे थे। ये पागल लड़की क्या कर रही हो, पता नहीं है कैसे करना है। लाओ इधर हाथ दो। हम तो खेल रहे थे। रुक जाइए विष्णु जी, सृष्टि जी बनाइए ना आप हमको। माँ देखिए ना, आपका विधि इतना जल्दी काम कर गया, सृष्टि जी आ भी गई। सृष्टि जी आप बाहर का ही खड़ी है, चलिए ना अंदर चलिए।
ये क्या कर रहे हैं आप लोग? दीशु जी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हुए शर्म नहीं आती आप लोगों को? अरे जिस इंसान को शादी के मायने नहीं पता, उसे धोखे में रखकर उसकी दूसरी शादी कैसे करवा सकती हैं आप? क्या मिलेगा आपको शादी से? तुमको क्या मिल रहा है? हमारे बेटा का सगाई में आकर तमाशा करके? तलाक हो चुका ना तुम्हारा बेसु के साथ? यहाँ क्या कर रही हो? देखो, ये हमारे घर का मामला है। तुम हमारे बेटे के साथ चाहे जो करे, तुमसे क्या मतलब है? और हमसे तो मतलब है ना श्रीमती जी? बिसु हमारा भी बेटा है और हम मना किए थे ना आपको ये सब करने के लिए। आपने कहा था कि बिसु का तलाक नहीं हुआ है इसलिए हम उसका दूसरा शादी नहीं कर सकते, ये कहा था ना आपने? ये है बिसु के तलाक का कागज और बिसु का दस्तखत भी है इस पर। ये सब क्या हो रहे हैं आप? ये पूछो अपना पत्नी से। इस सृष्टि को यहाँ ले आई और सारा किया कराया पर पानी फेर दिया। अरे इतना बड़ा घर से रिश्ता आया था बिसु के लिए, लेकिन आपको हर सही काम करने वाला गलत क्यों लगता है? रागिनी की वजह से आपका बेटा एक ऐसे रिश्ते से बचा है जिसमें उसे सिर्फ तकलीफ मिलने वाली थी। आपको इसे शुक्रिया कहना चाहिए। हमने एक दूसरे को कभी पसंद नहीं किया है, लेकिन आज तुमने जो वीशु जी के लिए किया ये हम कभी नहीं कर पाते। जो हम पे भरोसा करे ना उसके लिए हम अपना जान भी दे सकते। बड़की, आज जो तुम करने जा रही थी ना उसके लिए जिंदगी भर अपने आप को कोसती रहती। माँ कहते हैं ना कि एक औलाद का दिल उसकी माँ से बेहतर कोई नहीं जानता। आपको अंदाजा भी है कि ये सब करने के बाद विशु पे क्या असर पड़ता। हम जो है ना, हम विशु के खुशी के लिए ये सब कर रहे थे। अरे एक बार उस रिश्ते का असर उतर जाता ना, उसका दूसरा शादी हो जाता तो सारा पुराना बात भूल जाता। ऐसा कुछ नहीं होता। दूसरी शादी करने से कोई हल नहीं निकलता, बल्कि ऐसा करने से एक प्रॉब्लम और बढ़ जाता। विशु को जहां से चोट लगा है ना वहीं से उसका इलाज है। हम बहुत लोगों को देखे हैं दूसरा शादी करके पहला पत्नी को भुलाते हुए। अब तो उसका तलाक भी हो गया है, इसलिए हम बिसु का दूसरा ब्याह करवा कर रहे हैं। नहीं करनी हमें कोई शादी वादी, नहीं करनी हमें कोई शादी। हटाइए एकदम, हटाइए। आपने हमसे झूठ बोला,
हमें कोई शादी वादी नहीं करनी, नहीं करनी हमें कोई शादी वादी। आपने हमसे झूठ बोला, बहुत बुरे हैं आप। आज के बाद हम आपका कोई बात नहीं मानेंगे। बिसाम, जाइए जाइए आप यहां से, जाइए जाइए। माँ, आप हमारी माँ है ना, है ना आप हमारी माँ? अगर आप हमारी माँ है तो आप दुनिया की सबसे गंदी माँ है। आज के बाद हमें आपकी किसी बात पर भरोसा नहीं होगा, नहीं होगा किसी बात पर भरोसा। तो हमारा बात सुनो बेटा। कोई अपने सगे बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकता? लालच की भी हद होती है, पता नहीं विशु जी पर क्या बीत रही होगी। सृष्टि, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है, लेकिन तुम्हारे ऐसे परेशान होने से कुछ भी नहीं हो सकता। और कुछ लोग और कुछ चीजें जिंदगी में कभी नहीं बदलती। शेखर, लोगों पर हमारा जोर नहीं, लेकिन तुम तुम्हारे अच्छे दोस्त थे ना, तुम्हें विशु जी के बारे में सब मालूम था, फिर तुम कैसे तमाशा देखते रहे? तुमने सगाई रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? सृष्टि, तुम्हें क्या लगता है कि हमने कोशिश नहीं की? जैसे ही हम वहां पर पहुंचे, ये सगाई का नाटक ऑलरेडी वहां पर चल रहा था। जब हमने रेवती जी को समझाने की कोशिश की तो रेवती जी ने हमको विशु के डाइवोर्स पेपर हाथ में पकड़ा दिए और उसके ऊपर साइन हो रखे थे, देखो, और कहने लगी कि हमारा बेटा, हम जो करें हमारी मर्जी। उसके बाद हम तुम्हें कॉल करने लगे थे, लेकिन तुम्हारा नंबर शायद विद्वान जी के साथ तुम कोर्ट में थी इसलिए लग नहीं रहा था। और जैसे ही हम वहां से तुम्हें बुलाने के लिए निकलने लगे, तुम सामने से हमारे पास आ गई। प्लीज पानी पी लो। सृष्टि, तुम्हारे ऐसे परेशान होने से कुछ भी नहीं होगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सृष्टि, जब तुमने अपना राह बदल लिया है, बीचों के घर वाले कुछ भी करे, तुम्हारा उस पर कंट्रोल नहीं होगा। शेखर, हमारे कंट्रोल में कम से कम हमारा डिसीजन तो है, विशु जी के कंट्रोल में वो भी नहीं। सृष्टि, तुम्हें विशु के बारे में सोचना बंद करना होगा। शेखर, हम कैसे ना सोचें उनके बारे में, चाहे जो सिचुएशन हो, लेकिन सच ये है कि हमारी शादी हुई है उनके साथ। मेरी है, आई थिंक आई शुड से सॉरी। आई एम सॉरी राकेश। का बोला आपने? सॉरी? अरे सॉरी बोलने का तो ठेकेदारी हमारा नहीं है, सारा गलती हम ही तो करते हैं। अरे हम तो ये सोच रहे हैं कि उस टेम पेपर है ना, उसमें 150 सारी लिख के ना आपको एडवांस में देते। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही बात है मिस्टर जी, ऐसा ही बात है। अरे हम तो पागल है ना जो बेकारे में शेखर और मुखिया इनके पीछे पड़े रहते हैं। हमें तो घर के कोने में बैठ के खा पी के मस्त रहना चाहिए, ऐसा ही बोले थे ना आप हमें। हमारे पास तो कोई काम धंधा ही नहीं है,
हम तो फालतू में जेम्स बांड बने घूम फिर रहे हैं। दिमाग में तो गोबर भरा ना हमारे, है ना? आप ये मुंडी हिला के हाँ में जवाब दे रहे हैं ना? हाँ ही तो बोलेंगे, ये थोड़ी ना बोलेंगे कि रागिन आज तुम्हारा बात ना मान के ना बहुत बड़ा गलती की है। अरे लेकिन इसमें गलती तुम्हारी है, तुम ठीक से कोई बात बताती कहाँ? मानना पड़ेगा आपको ससुर, हम कितना बात समझाने का कोशिश कर रहे थे आपको, आप समझ रहे थे क्या? और सारा गलती हमारे ऊपर डाल दिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर तुम मुझे ठीक से समझाती तो मैं अच्छे से समझ जाता ना। अच्छा 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 अच्छा, ठीक से नहीं बताया मिस्टर जी, आप बताएंगे ठीक से कैसे बताते हैं? का हम गंगा जल का लोटा रख ले सर पे फिर भरोसा करेंगे? मतलब बात का कुछ सबूत होना चाहिए ना, तभी तो मैं यकीन करूंगा, वरना तुम ऐसे कुछ भी बोल दोगे मैं कुछ भी समझ लूंगा। अच्छा, तो जब तक हम गवाह और सबूत नहीं देंगे तब तक आप हम पर भरोसा नहीं करेंगे? अरे वो बिला के दे देते, लेकिन का है ना, आज सृष्टि का यहाँ ना बहुत जरूरी था, नहीं तो देवर जी का जिंदगी खराब हो जाता। अगर आपको हमारा ई करना भी गलत लगता है ना तो लगता रहे। अरे आज तुमने जो भी किया है और जैसे भी किया है बहुत अच्छा किया है। देवर जी, देवर जी आप अभी, भाभी प्लीज हमें जाने दीजिए। भाभी अब हमरा ना यहाँ बिल्कुल मन नहीं लगता। यहाँ ना सब बहुत बुरे लोग हैं, हम नहीं रहना चाहते अब यहाँ, हमें जाने दीजिए भाभी। देवर जी ये बैग दीजिए, देखिए हम आपके सृष्टि जी को यहाँ लाए थे ना आपकी सगाई तुड़वाने के लिए, तो आप हमारी बात तो सुनेंगे ना? आप एक काम कीजिए, आप यहाँ बैठिए, बैठिए आप। अब आप हमें ये बताइए कि यहाँ से निकल के आप कहाँ जाइएगा इतनी रात में? हम सोच रहे थे कि हम सृष्टि जी के पास चले जाएंगे, वो तो आपको तलाक दे दी है ना? तो हमने थोड़ी ना दिया उनको तलाक, हम उनको है ना कुछ कहकर मना लेंगे। और वो नहीं मानी तो? देवर जी हम जो कह रहे हैं ना उसको समझने का कोशिश करना। देखिए वो आपकी सृष्टि जी जो है ना बहुत पढ़ी लिखी है, और ऊना अपने लिए ऐसा ही पढ़ा लिखा लड़का चाहती है। बाकी सबको गोली मारी, आपको क्या लगता है कि आप बच्चे हैं? बच्चे तो हम पहले थे, अब तो हम बड़े हो गए हैं, बच्चों का शादी थोड़ी ना होता है। तो अब ना आपको अपना बड़प्पन दिखाना है। वो कैसे भाभी? देखो जी आपका ये मशीन मसून के काम में आपको बहुत जानकारी है ना, और आप इन सबका शौक भी रखते हैं, तो आप एक काम काहे नहीं करते, आप अपने भैया के साथ काम कीजिए ना, वो लिखाई पढ़ाई का काम आपके भैया कर लेंगे, और बाकी जो साइट का काम है ना वो आप संभाल लीजिएगा, ठीक है? भाभी मशीन तक तो ठीक है, लेकिन बाकी साइट पर तो और भी ढेर सारा काम होता है, वो सब हम कैसे करेंगे? उस साइट पे जो काम होता है ना वो ये ठेकेदारी सब में हम चैंपियन रह चुके हैं, हम आपको ट्रेनिंग देंगे। अरे वाह भाभी, फिर तो हम यही काम करेंगे। अब आपको ना अपने पांव पर खुद खड़ा होना है, काबिल बनना है, और अपने फैसले ना खुद लेने हैं। भाभी हम ये सब करेंगे तो सृष्टि जी अपने आप वापिस आ जाएंगे, है ना? हमें देवर जी को इतना लायक बनाना होगा कि सासू मैया और शेखर इनकी शादी ना तोड़ सके। रागिनी सिंह, तुमने मेरा प्लान खराब करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, ऐसा करके तुम मेरे निशाने पर आ गई हो। वैसे ही मेरे बहुत से दुश्मन हैं, मगर अब तुम उस लिस्ट में टॉप पर हो। कांग्रेचुलेशंस रागिनी सिंह। आई डोंट नो कि तुम्हें मेरे प्लान के बारे में पता कैसे चला, मगर तुम
क्योंकि शेखर शर्मा एक गलती दोबारा नहीं करता। इस बार मैं शतरंज की ऐसी बिसात पे जाऊंगा कि जीत सिर्फ मेरी होगी। इस बार मेरा मोहरा तुम बनोगी, वो मोहरा जो अपने आप को मार के राजा को जिताता है। इस पर देख लेना रागिनी सिंह, तुम्हारे ससुराल में मैं कैसे तूफान मचाता हूं, क्योंकि तुम्हारे ससुराल वो लंका है जहां मेरी सीता यानी सृष्टि कैद है। रुको, कहाँ जा रही हो? पहले मैं नहाने जाऊंगा, हटो यहाँ से। कहाँ है? मुहूर्त निकलवाए हैं का पंडित से? हम नहाएंगे पहले। देखो, मेरे पास फालतू का समय नहीं है। तुम्हारे साथ किसी भी तरह की कोई भी फालतू बहस करने का मुझे प्लीज जाने दो। लंदन से पढ़ के आए हैं ना आप? उका कहते हैं आपके अंग्रेजी में लेडीज फर्स्ट, भूल गए? हमें याद दिलाना पड़ रहा है आपको। मैं क्या जानता हूँ क्या नहीं जानता हूँ, आई थिंक मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे इतना निकट्टू तो हूँ नहीं जिसको कोई काम धाम ना हो। मुझे जाने दो, नहाने दो, ठीक है? तुम बैठ के आराम से शाम तक नहाती रहना, हटो यहाँ से। जाइए, अब दिखाइए अपना जल्दबाजी। ये क्या किया तुमने? हाँ, हाउ डेयर यू, पागल हो गई हो क्या? एक तो वैसे मेरे पास टाइम नहीं है, ऊपर से फालतू का टाइम वेस्ट कर रही हो, हट जाओ यहाँ से। और हमारे पास तो टाइम ही टाइम है ना, क्या है कि हम तो निखट्टू है। अब लड़िए, जितना लड़ सकते हैं ना हमसे लड़िए। मेरी बात सुनो, तुम्हारे साथ लड़ने के लिए ना मुझे तुम्हारे लेवल पे गिरना पड़ेगा, और वो मैं चाहता नहीं, समझी तुम? आ जाते हैं ना आपके लेवल पर। तुम्हारी ये हिम्मत? पकड़ो इसको, और बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। सुबह सुबह इतना टाइम वेस्ट कर दिया मेरा, पूरे कपड़ों की इस्त्री भी खराब कर दी, नीचे से प्रेस किया हुआ था। अब देख क्या रही हो? जाओ, जाके दफा हो जाओ यहाँ से। कहाँ जाएं? अपने बाबूजी के यहाँ? ऐसे तो नहीं जाएंगे, जैसे लाए थे ना वैसे छोड़ के आई है। देवा जी आइए। वाह, हमको तो पता ही नहीं था कि हमारा बिटवा इतना भी अच्छा लगता है। भगवान तुमको नजर से बचाए। विशु, कितने अच्छे लग रहे हो तुम। आई एम सो इम्प्रेस्ड। भैया, हमने ना आप ही का कपड़ा पहना है, और बैग भी आपका है। वाह विशु भैया, आप तो एकदम फिल्मी हीरो लग रहे हो। थैंक यू भैया, हमको है ना आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। रिक्वेस्ट क्यों? तुम ऑर्डर करो, तुम्हारा बड़ा भाई है, बोलो मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारा। भैया, हम ना जानते हैं कि आपने अभी अभी नया काम शुरू किया है, और आप ना इस समय अपने काम में कोई गलती बर्दाश्त नहीं करेंगे, और हम ये भी जानते हैं कि
आपके जितने समझदार नहीं है। पर भैया हम ना आपके साथ साइट पर जाना चाहते हैं। हमको भाभी ने सारा काम समझा दिया। भैया हम है ना वहाँ पर मशीन की छोटी मोटी खराबी भी है ना एकदम दूर कर देंगे और मजदूरों की हाजिरी भी लगा देंगे और जो सामान आएगा ना उसकी गिनती करके हम डिलीवर भी करा देंगे। विशु आप हमें एक बार मौका दीजिए, हम है ना आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। देवर जी हम जानते हैं आपको इस साइट के काम का ना बहुत जानकारी है, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो अपनी भाभी को फोन कर लीजिएगा, क्योंकि का है ना ये ठेकेदारी का जो काम नहीं होता है इसका अनुभव ना हमें आपके भैया से भी ज्यादा है। और फिर भी अगर कोई गड़बड़ करे तो उसको ना एकदम फटाक। हमारी निजी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा हो उसका वकालत से क्या लेना देना, हम आपके वकील हैं, बस उससे मतलब रखिए ना। क्या क्या कहा आपने? देखिए हमने हमारे पति को छोड़ा है या नहीं छोड़ा है ये हमारा पर्सनल मैटर है, लेकिन हाँ हम आपका केस जरूर छोड़ रहे हैं। आइंदा से हमें कॉल मत कीजिएगा, रखिए फोन। मेरे रोमांटिक मूड पर पानी फेर दिया पूरा। पता नहीं लोगों को दूसरों की जिंदगी में झांकने की क्या जरूरत होती है, अपना घर तो संभाला जा नहीं रहे, चले हमारी जिंदगी में इंटरफेयर करने के लिए। शेखर लोगों के दिमाग में कितनी गंदगी भरी हुई है, उन्हें लगता है कि हम दोनों के बीच में डिस्गस्टिंग। क्या करूं, कैसे इन्हें समझाऊं कि हमारे बीच में कुछ नहीं है ऐसा। इससे पहले कि हम तुमको ना यहां से धक्का मार कर बाहर निकाल दे, फूटो यहां से। हरिओम मुखिया है। तुम्हारा बात तो हमको समझे में नहीं आ रहा है, लेकिन तुम्हारा जो नियत है ना उनको बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। अब हम तुम्हें एक बात समझाते हैं। तो कहावत सुनी हो तुम कि जब कीदड़ का मौत आता है तो शहर की तरफ भागता है। उम्मीद है कि ये बात तुम समझ गई हो। अब लो हम तो सोचे थे कि विशु का भला कर दें, उसका ब्याह करा के हम भी थोड़ा पुण्य कमा लें, पर यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। अब अगर तुम उल्टी गंगा में बहकर परलोक पहुंचना चाहती हो ना तो 2 मिनट और खड़ी होकर बकवास करती रहो यहाँ पर, और अगर बचना चाहती हो तो फटाक से यहाँ से फुर हो जाओ। 2 मिनट है तुम्हारे पास। शांति जैसी सीधी साधी लड़की के लिए तो ये घर है ही नहीं, तुम लोग उसके लायक नहीं हो। अरे मेरी मति मारी गई थी जो बिसु का भला चाहने के लिए ये रिश्ता भेज दिया। चलते हैं। जय सियाराम। इन मुखियाएं तो शेखर के साथ मिली हुई है ना, तो फिर काहे शेखर के खिलाफ बोल रही थी। लग रहा जले भी हमारे अंदाजा से ना ज्यादा गोल है। अब हमें ये पता लगाना होगा कि आखिर ये शेखर चाहता का है या फिर का चाहता है। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।